जी पंडित जो विस्थापित समाज से और प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लगभग 4700 के करीब हमारे भाई बहन उसमें हैं, वो आपने देखा होगा कि मई में जब राहुल भट्ट जी शहीद हुए, जब मिलिटेंट्स की कायराना हरकत से वो उनको शहादत उनकी हो गई वहाँ कश्मीर में, उसके बाद सभी के सभी एम्प्लॉयज, उसके बाद रजनी बालाजी आपने देखा रिजर्व कैटेगरी के सब यहाँ पर आ गए, ये सब राष्ट्रवादी सोच रखने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 2008-9-10 से लेके आज तक वहीं पर काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन आज एक बार फिर 1990 के बाद हमें लगा कि हमारे भाई बहनों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कायराना हरकत एक बार फिर हुई मई में, तो सब वापस आए हैं। इनकी जो डिमांड्स हैं बिल्कुल जेन्युइन है, और आखिर कब तक हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाला एक निहत्ता हमारा भाई या बहन जो है ऐसे हमलों का शिकार बनेंगे, हम ये मांग करते हैं एलजी प्रशासन और खासकर मनोज सिन्हा जी से कि आप इंटरवीन कीजिए और इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं बिल्कुल जायज़ हैं। अब हम और राहुल भट्ट जो है वो शहीद नहीं होने देंगे और कोई रजनी बाला शहीद नहीं होने देंगे, हम इन स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जहाँ जहाँ पर भी ये हमें हमारी ड्यूटी समझेंगे, हमारा एक एक वॉलंटियर जो है इनके साथ इनकी इस संघर्ष में पूरा साथ है। सर चार चार महीने, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। अफसोस हैरत इस बात की कि जो तिरंगे के लिए जान देते हैं, जिन्होंने इतिहास गवाह है कि चाहे 1990 से शुरू कर लीजिए, ये जो हमारे विस्थापित भाई बहन है कितना संघर्ष किया, शायद जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं वो कभी इन कुर्सियों में नहीं होंगे, उस समय अपने अपने कॉलेजेस में होंगे, शायद उनको एक बार फिर इनके बुजुर्गों की व्यथा याद करवाने की ज़रूरत है कि किस संघर्ष से उन्होंने अपने बच्चों को पाला और इस कदर खड़ा किया कि वो फिर आगे अपने परिवार को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाएं। मैं समझता हूँ आज कहीं ना कहीं एक बार फिर एक प्रहार हो रहा है, इनकी सिलेक्टिव किलिंग जो मैं सीधे तौर पे बात कहूँ, एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, किसी कश्मीरी पंडित या किसी इंडिविजुअल को नहीं बनाया जा रहा, राष्ट्रवाद को निशाना बनाया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमने वाकई ही राष्ट्रवाद की बात करनी है तो मुझे लगता है कि आज सरकार को चाहिए कि सरकार जो है इनकी जो भी डिमांड्स हैं, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, जल्द अज जल्द जो है इनको पूरा करें।